और दारू ना दिखक चाहिए आज के बाद, या तो फिर हमसे पूरा ना होई, समझ गई ना? ठीक ना का है रे, समझ गई ना? मैं दारू पिएबो, हम पिएबा तो ठीक है, देखा सही कैसी तू दारू पिएला बताओ चौकी। दारू ना पिया। ओ तो ये बात है, लग रहा है ससुर जी को पटाना पड़ेगा। प्रणाम बाबू जी। हो जाएगा हो जाएगा। अरे कहते हैं। हाँ बाबू जी आज सब ठीक है। अरे नहीं बाबू जी, हम आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं? बेटा बेटा नहीं बाबू जी, लोग कहते हैं ना कि ससुर के साथ नहीं बैठा जाता। बेटा बेटा। अच्छा बाबू जी आप हमें एक बात बताइए, आप जब दारू पीते हैं तो आपकी बेटी आपको डांटती क्यों है? क्योंकि डांटता नहीं। नहीं बाबू जी, मुझे तो लगता है ना कि वो तो आपको मानते ही नहीं है। बेटा ना ऐसी ही बात है बाबू, दारू पीना तो बुरी बात नहीं है ना। बात नहीं बाबू जी, दारू अच्छा लगता होगा, टेस्टी लगता होगा, तभी ना लोग पीते हैं। आपको नहीं पता बाबू जी, हमारे यहाँ ना शहर में सास ससुर बहू लड़की सभी लोग मिलकर दारू पीते हैं। हाँ तो बाबू जी जब टेस्टी है तभी ना लोग पीते हैं, दारू पीना बुरी बात नहीं है। तो बाबू जी आप है ना देसी मत पिया करिए। कहाँ से आया था अंग्रेज? बाबू जी हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप जाइए और अंग्रेजी लेकर आइए। हाँ बढ़िया बरान कर लेकर आइए। हम ला रहे हैं। लीजिए बाबू जी जाइए, अच्छा सा लेकर आइएगा, अच्छा वाला। नहीं बाबू जी, बोल रही हूँ ना कि मैं उनको भेज दी हूँ दो ढाई घंटे के लिए, टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए बाबू जी। उसे खोलिए, इसमें डालिए। रुकिए बाबू जी, अरे ऐसे मत लीजिए, पानी पान डालो। बाबू जी आप हमारे साथ है ना, मुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मुझे ना किसी की डर नहीं है। बाबू जी कह रही हूँ ना कि वो नहीं आएंगे, मैं भेज दी हूँ कहीं उनको, और लीजिए ना बाबू जी। बाबू जी भगवान हर किसी को आप जैसे ससुर दे बाबू जी। दीजिए बाबू जी दीजिए। बोले देखता पहला जय की ससुर साहब का दारू पिया थी का?
तो लोग